हेलो बच्चों, आपने कभी किसी चिड़िया को घोंसला बनाते हुए देखा है? वो कितनी मेहनत करती है, वो बार बार उड़ के जाती है, तिनके लाती है, घास लाती है, कितनी सारी चीजें लाती है और कोई पेड़ पर, पेड़ की डाल पर कोई एक जगह ढूंढती है जहां वो अपना घोंसला बनाती है और उसमें अंडे देती है। आज हमारा पाठ दिन निकल आया उसी पर आधारित है। चलिए पहले पाठ को पढ़ते हैं और साथ साथ मैं आपको पाठ को एक्सप्लेन भी करूंगी, मैं आपको समझाती जाऊंगी। दिन निकल आया, चिड़िया डाल पर आई, वह तिनका लाई फिर गई। ओके, आप जब सुबह होती है तो आप क्या करते हो? दिन निकल आया मतलब जब मॉर्निंग होती है, सुबह होती है, तो आप लोग तो उठते हो, रेडी होते हो, और जब स्कूल स्टार्ट होता है तो आप लोग स्कूल के लिए रेडी होते हो और फटाफट स्कूल के लिए निकलते हो। पर ये चिड़िया रानी क्या कर रही है? जब ये सुबह हुई, दिन निकला मतलब जब सुबह हुई, तो वह पेड़ की एक डाल पर आई और तिनका लाई। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, ये है तिनका, ये देख रहे हैं चिड़िया कितने सारे तिनके लेके आई है। ये सूखी घास होती है, छोटी छोटी लकड़ी के टुकड़े होते हैं, और डाल क्या होती है? ये देखो, ये रही डाल, ये पेड़ है बड़ा सा, ये देखो, ये एक अंकल भी पेड़ की डाल पर लेटे हुए हैं। इसी तरह से किसी पेड़ की डाल पर चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। और ये है ऊन। अभी आगे पाठ में ये भी शब्द आएगा, ऊन। कभी कभी आपने देखा हो आपकी दादी या मम्मा स्वेटर बुनती हैं, तो ये होती है ऊन। इससे गर्म कपड़े, गर्म स्वेटर बनते हैं। ओके, तो आपने देखा क्या लेके आई चिड़िया? तिनका लाई। तिनका लाके उसने पेड़ पर रखा, फिर गई, फिर से उड़ गई। वह और तिनका लाई, वो और भी तिनके लेके आई। उसके बाद वो क्या लाई? फिर घास, ऊन लाई। मैंने आपको अभी ऊन की पिक्चर दिखाई थी ना, तो वो घास भी लाती है, ऊन भी लाती है, अपना घर बनाया। चिड़िया के घर को क्या बोलते हैं? घोंसला। तो उसने अपना घोंसला बनाया। अब जब घोंसला बनाया तो फिर क्या किया? फिर दाना लाई। अब घोंसला है, घर पे बच्चे हैं, लोग सब होंगे बच्चे उसके, तो उनको खाना भी खाना है, तो उनके लिए वो दाना लेकर आई। हिल मिलकर रहना सिखाया। और चिड़िया ने क्या सिखाया? हिल मिलकर मतलब ऐसे नहीं कि हिल रहे हैं, मूव कर रहे, नहीं, इसका मतलब होता है मिलजुल कर, प्यार से एक दूसरे के साथ रहना। उसने अपने बच्चों को ये सिखाया। चिड़ा उड़कर आया। चिड़ा जैसे गर्ल और बॉय होते हैं, पापा मम्मा होती है, दादा दादी होते हैं, ऐसे चिड़िया, जो गर्ल चिड़िया होती है उसको चिड़िया बोलते हैं, और जो बॉय चिड़िया होती है उसको हम चिड़ा बोलते हैं। चिड़ा उड़कर आया। और जब वो उड़कर आया तो वो क्या लेकर आया? वह किशमिश लाया। किशमिश आपने खाई है ना, मीठी मीठी, वेरी गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। रिमझिम रिमझिम बारिश आ गई। तो जब भी बारिश की बात हम करते हैं तो हम हमेशा ऐसे बोलते हैं कि रिमझिम रिमझिम, जो बारिश टप 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 पानी गिरता है तो उसको हम बोलते हैं रिमझिम रिमझिम, बारिश आ गई। चिड़िया का मन खिल उठा। और जब बारिश आई तो चिड़िया का मन खिल उठा मतलब वो बहुत खुश हो गई, हैप्पी हो गई। आप सब भी बहुत हैप्पी हो जाते हो ना जब बारिश आती है तो? यस। चलो अब हम इस लेसन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, और आप कोशिश करिएगा कि मैम को फॉलो करें और इन वर्ड्स को पहचाने। दिन निकल आया, चिड़िया डाल पर आई, वह तिनका लाई फिर गई, वह और तिनका लाई फिर घास ऊन लाई, अपना घर बनाया, फिर दाना लाई, हिल मिलकर रहना सिखाया, चिड़ा उड़कर आया, वह किशमिश लाया, रिमझिम रिमझिम बारिश आ गई, चिड़िया का मन खिल उठा। आपने एक चीज नोटिस की बच्चों, इसमें दो मात्रा यूज हुई है, एक छोटी की मात्रा और एक आ की मात्रा, और आपको दोनों की साउंड में फर्क समझ में आने लग गया है ना। जैसे ये शब्द है तिनका, इसमें तिन का, आपको इसी प्रकार से मात्राओं की आवाज पर जोर देकर शब्दों को पढ़ना है और उनको बार बार रिवाइज करना है। ओके बच्चों, अब आपकी टर्न है इस लेसन को रीड करने की। बाय चिल्ड्रन, सी यू नेक्स्ट टाइम।